पूर्णिया में आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बैठक की गई। यह बैठक पूर्णिया के मधुबनी में आयोजित की गई थी। इस बैठक में चुनावी तैयारी तथा दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष रमेश कुशवाहा, प्रधान महासचिव अमरेंद्र सिंह कुशवाहा, बिहार महासचिव निरंजन सिंह कुशवाहा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है, तो वहीं पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घर में बैठे हैं। उन्होंने युवाओं को आगाज करते हुए कहा कि हमारे ही पैसे से सरकार चलती है तथा सरकारी अधिकारी हमारे ही पैसे से मौज करते हैं और उल्टे हमें ही तानाशाही दिखाते हैं। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो सरकार के नौकर हैं, लेकिन इन 15 सालों में अफसरशाही चरम सीमा पर है। अधिकारी मालिक बने बैठे हैं, एक भी काम बिना घूस दिए नहीं होता है। परिवर्तन की पूरी उम्मीद थी और हम लोगों को पूरा उम्मीद थी कि बिहार में नई सरकार बनेगी, लेकिन राजद के कुछ नेताओं के अहंकार के कारण जो गठबंधन पर असर पड़ा है बिल्कुल ही निंदीय है और बिहार की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए अभी भी समय है, राजद के नेताओं से हम लोगों का आग्रह है कि कोई भी गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी को दरकिनार करके बिहार में सत्ता में नहीं आ सकता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इस बार वोट के मामले में एक ही नारा है, वोट देने का पहला अधिकार, ईवीएम बटन दबाने का पहला आधार। ईवीएम बटन जो हम दबाएंगे अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए दबाएंगे कि अभी जो वर्तमान सरकारी विद्यालयों की स्थिति है, क्या इसे हमारे बच्चे को सही शिक्षा मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो वोट दीजिए, नहीं तो वोट मत दीजिए। इसी के आह्वान के लिए आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनमन की विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, पूर्णिया। आज ही के दिन रविवार के दिन बनमनखी में रखा गया था, लेकिन समान आचार संहिता लगने के कारण, चुनाव आयोग के निर्देश के कारण यह कार्यक्रम को रद्द किया गया। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर हम लोग कोई भी बैठक नहीं कर सकते हैं। तब जिलाध्यक्ष जी का निर्णय हुआ कि हम सभी लोग पार्टी कार्यालय में भी बनमनखी विधानसभा के जो प्रमुख साथी हैं 50-100 साथी बैठ करके विधानसभा की तैयारी होती विचार विमर्श किया जाए और यहां से एक प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा जाए कि बनमनखी विधानसभा भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ ही लड़ने के लिए पूर्ण रूप में तैयार है। अभी जो बिहार की वर्तमान परिस्थिति है इससे आप लोग भी अवगत हैं। हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी, इसके पूर्व NDA के हिस्सा थे, केंद्र में शिक्षा मंत्री थे। केंद्र में शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई आंदोलन बिहार ही नहीं पूरे देश। आज ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनमनखी विधानसभा पंचायत अध्यक्ष के साथ बात विचार हो रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनमनखी विधानसभा भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी सब चीज को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनमनखी विधानसभा के पंचायत अध्यक्षों के साथ चर्चा कर रही है। आपकी पार्टी तो NDA में शामिल हो रही है फिर? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ राष्ट्रीय बयान नहीं है। आगे नेता जो भी निर्णय लेंगे कमेटी साथ में है।